निम्बस आईएएस की तरफ से आपका स्वागत है दोस्तों। सो बेसिकली वी आर कवरिंग द एनसीईआरटी सीरीज आगाज। सो उसके अंदर हम ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज को कवर कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद द क्लास 6 एनसीईआरटी। सो दिस इज द 6th चैप्टर, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमने अब तक 5 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं हम वीडियो लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 6th चैप्टर, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। उसको जानने से पहले विल स्टार्ट विथ वन थिंग, जो कि आप आपको मैं एक गोल्डन सर्कल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि जिसका रेलिवेंस हर जगह है, हर नॉट ओनली हेयर इन दिस लेक्चर बट ऑल्सो एवरीवेयर। चाहे वो मार्केटिंग हो जाए, चाहे वो आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के तरीके से ले जाए, तो हर एक चीज का एक सिक्वेंस होता है। वैसे ये एक गोल्डन सर्कल है, तो गोल्डन सर्कल क्या कहता है, वट हाउ वाई, इसका क्या मतलब है वो जानते हैं सबसे पहले। सो बेसिकली जब हम किसी भी चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी चीज की मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं, हम वट पहले तो हम किसी को बताते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कि वो क्या है, ठीक है, उसके बारे में हाउ कि वो आपके लिए कैसे यूजफुल होगी, तो आप सिर्फ वाई कि आपको क्यों खरीदनी है वो चीज। ये तो चलो मार्केटिंग में ये गोल्डन सर्कल यूज होता है, बट हम इसको अपनी स्टडीज में भी यूज कर सकते हैं इस गोल्डन सर्कल को। ठीक है, अब चाहे तो वो वाई से लेके हाउ वट तक का सफर भी हो सकता है, वट से लेके वाई तक का भी सफर हो सकता है, पर फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द जो जो भी पढ़ना चाहते हैं, कोई नई चीज को ग्रास्प करना चाहते हैं, उनका सफर वट से लेके वाई तक होता है। ठीक है, पहले किसी चीज को वो का मतलब जानते हैं कि वो क्या है, फिर उसके बाद में वो जानते हैं कि वो चीज कैसे बनी या कैसे पॉसिबल हुई वो चीज, देन वी टॉक अबाउट वाई कि वो पॉसिबिलिटीज ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। मतलब अगर कोई इस पर्टिकुलर चीज के पीछे का प्रोसेस है कुछ, वो प्रोसेस हुआ तो हुआ क्यों, व्हाई व्हाई दैट हैपन्ड। सो इन तीनों चीजों के अगर आपकी क्लियर हो जाती हैं, तो आप किसी भी कंसेप्ट को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। सो इसी से शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म्स का, जैसे फॉर्म्स का मतलब होता है आकृतियां, कि लैंड के ऊपर अलग अलग तरीके की आकृतियां कैसे बनती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बात करी आपसे कि एक आप सर्कल देखते हैं, स्फीयर देखते हैं, ट्रायंगल देखते हैं, मैथमेटिक्स में अपने पढ़ते हैं उसके बारे में, वॉल्यूम की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, वैसे ही हमारी अर्थ के आसपास भी अलग अलग तरीके की लैंडफॉर्म्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने आसपास घरों में बैठे हैं, टाउन्स में बैठे हैं, तो उस लैंडफॉर्म्स की शेप कैसी होगी, आपके घरों के शेप के जैसे क्यूबॉइडल शेप्स होंगी, ठीक है, वो मैन मेड लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, अगर हम नेचुरल लैंडफॉर्म्स की बात करें, उसके बारे में हम देखते हैं प्लेट्यूज क्या होते हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं, हम देखते हैं ना छोटे से ही होते से पढ़ते हैं, जैसे माउंटेन्स की शेप ऐसी होती है, ठीक है, प्लेट्यूज कैसे दिखते हैं, ऐसे टेबल फॉर्म्ड होते हैं, जैसे कि माउंटेन को घिसा दिया हो, हम ऐसे पढ़ते हैं कि ऊपर से घिस गए हैं, ऐसे टेबल फॉर्म्ड हो गए, पर फिर भी अपलिफ्टमेंट होती है इनकी। देन थर्ड हम प्लेन एरिया देखते हैं, ठीक है, सो जैसे हम बोलते हैं यूपी, पंजाब, ये मालवा रीजन्स, ये सारे क्या हैं, ये प्लेन एरिया हो गया ये, ठीक है, जो रिवर के आसपास, मेजर रिवर्स के आसपास जो एरियाज बनते हैं उनको प्लेन एरियाज बनते हैं। हम देखते हैं क्यों बनते हैं, रीजंस क्या हैं, हमने लैंडफॉर्म्स जो है वो अलग अलग तरीके की जो आकृतियां हैं लैंड के ऊपर क्यों बनती हैं उसके बारे में जानते हैं। अब जो ये इसका जो सारे का सारा प्रोसेस है, हम एक जो ज्योग्राफी की पूरी ब्रांच है जिसको हम कहते हैं जियोमोर्फोलॉजी। ठीक है, अगर आपको याद हो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने ब्रांचेस के बारे में कवर किया था कि ब्रांचेस कौन कौन सी है, उसमें से एक ब्रांच है जियोमोर्फोलॉजी। सो जियोमोर्फोलॉजी का मतलब, जियो मतलब अर्थ, मोर्फ मतलब शेप, ठीक है, जो अर्थ की शेप की साइंस बताती है, दैट इज जियो मोर्फोलॉजी। हम इसके बारे में हर एक शेप के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी माउंटेन बना तो बना कैसे, उसकी शेप ऐसे क्यों है, ग्लेशियर्स क्यों है, क्यों पाए जाते हैं, उसकी पूरी की पूरी डिटेल इस ब्रांच में, ज्योग्राफी की ब्रांच में हम कवर करते हैं, और इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा ये चैप्टर। ठीक है, सो बेसिकली जो जियो मोर्फोलॉजी है क्या, इट स्टडीज द लैंड फॉर्म्स। मतलब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम जानते हैं वट, ठीक है, क्या स्टडी करता है जियोमोर्फोलॉजी, इट स्टडीज द लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली लैंड फॉर्म्स क्या है, वट, सबसे पहला वट हमारे सामने आ गया कि लैंड फॉर्म्स क्या है, कि कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं, उसको लैंड फॉर्म्स किसको कहा जाता है, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है एक ब्रीफली। देन देयर एवोल्यूशन,
अब वो लैंड फॉर्म्स बने तो बने कैसे, एवोल्यूशन का मतलब हाउ दे वर फॉर्म्ड, मतलब क्या रीजंस थे, पहाड़ बने तो बने कैसे, उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में पहाड़ आए तो आए कहाँ से, उस पर्टिकुलर एरिया को हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, वो प्लेट्यू था तो वो बना कैसे। तो ये सारी चीजें जो है हम इसके अंदर अगले हाई का हाउ का आंसर ढूंढते हैं, ठीक है। अब उसका बेसिकली मेन रीजंस क्या है, किसी पर्टिकुलर लैंड फॉर्म के बनने के रीजंस क्या होते हैं, दैट इज जियोमोर्फिक प्रोसेसेस। सो जियोमोर्फिक प्रोसेसेस, जैसे कि जियो का फिर वही मतलब अर्थ, मोर्फिक मतलब जो शेप करते हैं, जो अर्थ को शेप करने वाले प्रोसेसेस हैं उसको हम बोलते हैं जियोमोर्फिक प्रोसेसेस। और ये हमारे हमारे को जवाब इन जियोमोर्फिक प्रोसेसेस में मिलेगा कि हाउ हाउ द लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म ड्यू टू दिस जियोमोर्फिक प्रोसेसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट इज व्हाई व्हाई दिस जियोमोर्फिक प्रोसेसेस हैपेंस, ठीक है। अब जब हम हर एक प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं, हमारे पास अपने आप इस वाई का जवाब आ जाता है। जब हम हर एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में देख, अलग अलग जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं हर एक लैंडफॉर्म में, तो उसके बाद हमारे हमारे पास उसका जवाब आना शुरू हो जाता है कि हाँ दिस इज द रीजन वाई, ठीक है। तो हम ऐसे कवर करते हैं इस चैप्टर को, लैंडफॉर्म्स को देखते हैं एक एक करके। उसके पहले जो है मेन बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है। सो अभी आपके पास जो है एक फ्लो चार्ट आएगा, सो दैट इज वेरी इन्फॉर्मेटिव। अगर मतलब ऐसी नॉलेज आपको कोई नहीं मिलेगा, वो भी इस चैप्टर को इस नजरिए से आपने पहली बार अभी देखने वाले हो आप। सो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि जियोमोर्फिक प्रोसेसेस, अब जियोमोर्फिक प्रोसेसेस हो रहे हैं जो कि लैंड फॉर्म्स को कोज करते हैं, ठीक है। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हुए क्यों, वो हुए अर्थ की मूवमेंट के कारण, अर्थ के अंदर मूवमेंट्स हुई, अर्थ के मूवमेंट के कारण वो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो है वो हुए। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की अगर हम बात करें, दो तरीके के जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आप देख सकते हैं। जो हमारी एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, इसके अंदर वर्ड यूज किया गया इंटरनल प्रोसेसेस और एक्सटर्नल प्रोसेसेस। इन्होंने ये जो है एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस का वर्ड का यूज नहीं किया सकता है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब इंटरनल, एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब एक्सटर्नल। एंडो का मतलब जब अंदर से, मतलब अंदर से कोई फोर्स बाहर को आती है, जैसे मान लो कि एक अर्थ है, अर्थ एक बैलून की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, बैलून के अंदर हमने गैस फिल करी, वो गैस फिल हो गई इसी वजह से वो फूल गया ना, मतलब उसके अंदर जो प्रेशर कौन एग्जर्ट कर रहा है, वो पर्टिकुलर गैस जो है जो हमने उसको फुलाया उससे वो गैस एग्जर्ट प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारे अर्थ जो है, अर्थ के अंदर से बहुत सारी फोर्सेस हैं जो उसकी बाहर को उसकी सरफेस की तरफ लग रही हैं, ठीक है। वो उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस। तो इंटरनल कारणों की वजह से जो फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं उनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस जो बाहर से बाहरी फोर्सेस हैं, जैसे चाहे वो एयर की वजह से हो, विंड की वजह से, वाटर की वजह से, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। चलो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, हम एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करने वाले हैं, दैट इज द इंटरनल साइड, कि इंटरनली जो कौन कौन सी जो मेजर फोर्सेस हैं जो हमारी एक्ट कर रही है, ठीक है। तो इंटरनल प्रोसेसेस की बात करने वाले हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो तरीके का हमने इसको आगे मेजर डिवाइड किया हुआ है, एक है स्लो फोर्सेस, एक है सडन फोर्सेस, ठीक है। अब इंटरनली भी दो तरीके की फोर्सेस हो सकती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, एक पर्सन की बात कर ले, पर्सन की स्किन की बात कर लेते हैं, धीरे धीरे जो हमारे स्किन जो लूज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, जैसे जैसे इंसान जो एज्ड होता है, ठीक है, उसकी जो स्किन है उसके ऊपर फर्क आना शुरू हो जाता है, वो तो है मान लो स्लो फोर्सेस, स्लोली स्लोली जो है हमारा जो बॉडी शेप है वो चेंज होता है, सो दैट इज स्लो फोर्सेस। सडन फोर्सेस मान लो आपने कोई गलत फूड खाया है, या इंटरनली फिर आपके क्या हुआ, आपके फेस पे पिंपल्स निकल आए, आपके माउथ में अल्सर्स निकल आए, ठीक है, दैट इज सडन, जो सडन हो रहा है। स्लोली मतलब जो जिस चीज को टाइम लग रहा है, हम इस बॉडी की एनालोगस से हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब जो स्लो फोर्सेस होती हैं उनको हम बोलते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, ठीक है। अब ये वर्ड जो है याद रखना, हमें इस एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही बताया कि इंटरनल प्रोसेसेस, एक्सटर्नल प्रोसेसेस, फिर बाद में एकदम से उन्होंने माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स की बात कर ली, ठीक है। बट
वो सही वे नहीं है, सही वे ये है पढ़ने का, समझने का। तो हमें ये जानना जरूरी है, तभी हम वो माउंटेन प्लेट्यूज को हम समझ पाएंगे कि उन्होंने ब्लॉक माउंटेन वर्ड यूज किया है, उन्होंने फोल्ड माउंटेन्स यूज किया हुआ, क्यों किया है वो, इसके बिना, इसको जाने बिना हम नहीं कर सकते। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एंडोजेनिक फोर्सेस की, जो कि इंटरनल फोर्सेस है, उसको मैंने दो में डिवाइड कर लिया, एक तो स्लो, एक जो है सडन। स्लो की वजह से एग्जाम्पल दी कि अर्थ जो हमारी स्किन है वो एज के साथ साथ धीरे धीरे चेंज होती है। अब उसी के अंदर जब हम बात करें, उस स्लो फोर्सेस को भी हमने आगे जो है डिवाइड किया हुआ है, वन इज वर्टिकल एंड अनदर इज हॉरिजॉन्टल, वन इज वर्टिकल अनदर इज हॉरिजॉन्टल। जो कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्सेस, उसको बोला जाता है वर्टिकल फोर्सेस को, मतलब कॉन्टिनेंट जो बनता है, कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़े हैं ना, जो हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़े हैं वो कैसे बनते हैं, जो कॉन्टिनेंट बिल्ड, जो फोर्स, जो इंटरनल फोर्स कॉन्टिनेंट को बिल्ड करती है, उसको बोलते हैं वर्टिकल फोर्सेस या एपेरोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, एपेरोजेनिक फोर्सेस इस वर्ड को यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये आगे दो तरीके की होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसको याद रखना, अपवर्ड और डाउनवर्ड, या अपलिफ्ट कर देती है धरती को, या डाउन सबमर्ज कर देती है, सबसिडेंस कर देती है। ठीक है, तो या तो जो नीचे वाली धरती है उसको ऊपर अपलिफ्ट कर देगी या डाउनवर्ड कर देगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपने। देन सेकेंड टाइप ऑफ स्लो फोर्स इज हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल तो ऑब्वियसली ऐसा होगा ना, अप होगा या डाउन होगा। अब हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का अलग नाम है ओरोजेनिक। ओरो का मतलब होता है माउंटेन, जो फोर्सेस माउंटेन को बिल्ड करती है, जो फोर्सेस माउंटेन्स को बिल्ड करेगी उसको हम बोलेंगे ओरोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, जो फोर्स माउंटेन को बिल्ड करेगी उसको बोलेंगे ओरोजेनिक फोर्सेस। अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स क्या है, मान लो कि पहले धरती जो है प्लेन होती थी, मैंने क्या किया, इधर से फोर्स लगाना शुरू कर दिया, इधर से फोर्स लगाना, तो अपने आप ही इसके बीच में फोल्ड आ गया। सो दिस फोल्ड इज द माउंटेन। इस फोल्ड क्यों आया, क्योंकि मैंने इस साइड से भी उसको फोर्स लगाना शुरू किया, इस साइड से भी फोर्स लगाना, तो ऐसे माउंटेन बन गया इसकी। अब सिंपली एक एग्जांपल कैसे देख सकते हैं, आप एक कागज का टुकड़ा लीजिए, ठीक है, जब उसको आप दोनों तरफ से अंदर इनवर्ड फोर्स लगाओगे तो कागज का टुकड़ा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों साइड से फोर्स लगानी है तो वो अपने आप ऊपर को उठ जाएगा। सो दैट इज बेसिकली कंप्रेशन फोर्स। ठीक है, जिसको हम कंप्रेशन करते हैं, कंप्रेस कर रहे हैं किसी चीज को, कंप्रेस करेंगे तो ऊपर को उठेगी। ठीक है, दिस इज वन थिंग। किसकी एग्जाम्पल है, दिस ओरोजेनिक फोल्ड, माउंटेन बिल्डिंग फोर्स की एग्जाम्पल है ये। सेकेंड इज टेंशन। नाउ टेंशन क्या होता है, बेसिकली टेंशन होता है जब मान लो कि आप सिंपली ऐसे खड़े हैं, आपका एक दोस्त इस अपनी तरफ खींच रहा है, एक तो दोस्त अपनी तरफ खींच रहा है, तो आप तो टेंशन में आ जाओगे ना, आपकी बॉडी में तो टेंशन ही हो जाएगी ना, एक स्टिफनेस ही हो जाएगी ना। टेंशन होते होते आप मान लो कि आप तो इंसान हो, आपको वो एक लिमिट तक खींच सकते हैं, मान लो आपकी जगह एक कागज का टुकड़ा होता, उसको खींच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कागज का टुकड़ा बीच में से फट जाएगा। ठीक है, सो दैट इज दी फॉल्ट, मतलब कि फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा बीच में, जो क्रैक क्रिएट हो जाएगा, जो धरती को इमेजिन करो, एक धरती का एक टुकड़ा है, दोनों साइड से कोई फोर्स लग रही है, उसको बाहरी तरफ खींच रही है, तो उस जो बीच में से वो टूट जाएगी उसको हम बोलते हैं फोल्ट, और इसी से ही ड्राइव होता है हमारा फोल्ट माउंटेन्स। ठीक है, तो ये है हमारी स्लो फोर्सेस। स्लो फोर्सेस हमने कौन कौन सी देखी, एक तो एपेरोजेनिक फोर्सेस देखी, जो कॉन्टिनेंट को बिल्ड करते हैं, कितने प्रकार की होती है, यहाँ वो कॉन्टिनेंट को ऊपर खींचेगा या वो कॉन्टिनेंट को नीचे सबमर्ज कर देगा। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होती है, वो क्या होगा, या कंप्रेस करेगा या टेंशन क्रिएट करेगा। ठीक है, अभी तक हमने ये स्लो फोर्सेस देखा, अब हम सडन फोर्सेस की बात करते हैं। मैंने कहा जैसे इसकी एग्जाम्पल दी, सडन एक पिंपल निकल आया चेहरे पे, सो सडन फोर्सेस की अगर हम एग्जाम्पल देखें, सो दैट इज वोल्केनिज्म। एकदम से ज्वालामुखी फूट गया, एकदम से अर्थक्वेक आ गया, मतलब जो एकदम से झटके लगने, मतलब एकदम से अर्थ को झटका लगना, जो उस वजह से जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट होंगे, उस उन झटकों की वजह से जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट होंगे, सो दैट आर द सडन फोर्सेस। ठीक है, सो जो फोर्सेस लैंड फॉर्म्स क्रिएट करते हैं वोल्केनिज्म की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से, उनको हम सडन फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा टोटल, हमारा एंडोजेनिक फोर्सेस का प्रोसेस। ठीक है, अभी जो है ये है हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस, इसको हम
बाद में डिस्कस करते हैं। सो स्टार्टिंग विद दिस एंडोजेनिक फोर्सेस, ओके, फर्स्ट इज स्लो फोर्स जो हमने बात करी, जिसका और नाम क्या है, डायस्ट्रोफिक फोर्स। ये याद रखना है नाम आपने, डायस्ट्रोफिक फोर्स। द मूवमेंट ऑफ द सॉलिड मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट, लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट सॉलिड मटेरियल, क्या है ये हमारा, हम इसको बोलते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। मतलब हमारा क्या मकसद है इसमें, मूवमेंट क्या कर रही है, सॉलिड जो अर्थ का सॉलिड क्रस्ट है, जो सॉलिड लैंड मास जब वो हम मूव करेगा, उसके बाद जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होंगे उन फोर्सेस को बोलते हैं स्लो फोर्सेस, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। ठीक है, अब मूवमेंट तो बहुत ही धीरे धीरे होगा ना, क्या आप ऐसा, आपको लग रहा है कि आप जिस अर्थ के टुकड़े पे खड़े हो वो फ्लोट कर रहा है, ऑब्वियसली वो स्लो होगा, इसीलिए इसीलिए वो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, इसीलिए उसको स्लो फोर्स बोलते हैं। वो डायस्ट्रोफ का मतलब ये दोनों चीजें आपस में क्यों लिंक्ड है, स्लो और डायस्ट्रोफिक फोर्स क्यों लिंक्ड है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अर्थ एकदम से फ्लोट करना शुरू, बहुत ही तेज फ्लोट, बहुत ही मिनिमम सेंटीमीटर्स, मतलब बहुत सालों में सेंटीमीटर्स में चेंज होता है अर्थ, अर्थ का जो क्रस्ट है वो फ्लोट करता है। तो दिस इज द रीजन स्लो है। और डायस्ट्रोफिक फोर्स का क्या मतलब है, डायस्ट्रोफिक फोर्स का मतलब है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है जी, सो ऑल प्रोसेसेस दैट मूव एलिवेट और बिल्ड अप द पोर्शंस ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट आर कम अंडर दिस डायस्ट्रोफिज्म। ऑब्वियसली हमने दो एग्जांपल्स देखी इसकी, एक तो वर्टिकल मूवमेंट, उसके अंदर क्या हो रहा था, एलिवेट हो रहा था और जो है सबमर्जेंस हो रहा था, और दूसरा क्या देखा हमने, बिल्डिंग देखी, जो कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस देखा, ओरोजेनिक प्रोसेस देखा। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। सो जो वर्टिकल थी वो थी कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, जो हॉरिजॉन्टल थी वो थी माउंटेन बिल्डिंग। मतलब इस स्लो फोर्सेस में कुछ ना कुछ बिल्ड हो रहा है, कुछ हमको मिल रहा है, कोई ना कोई नया लैंड फॉर्म मिल रहा है। ठीक है, लैंड फॉर्म तो चलो डिस्ट्रक्टिव में भी मिलेगा, बट कंस्ट्रक्टिव में कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा आ रहा है बाहर को। ठीक है, जैसे अपवर्ड और डाउनवर्ड की, मान लो अपवर्ड मूवमेंट हो गया तो जो अर्थ का जो लैंड फॉर्म है वो अर्थ अपलिफ्ट हो गया, तो एक्स्ट्रा अर्थ बाहर को आई कुछ। ठीक है, जब हम माउंटेन की बात करें, फोल्ड माउंटेन क्रिएट हो गया हिमालयस बन के, तो कुछ बाहर को एक्स्ट्रा क्रिएशन हुई, तो उसने माउंटेन को बिल्ड किया। तो इसलिए ये जो है कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस बोला जाता है इनको। ठीक है, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस को, जो कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे एग्जांपल, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपेरोजेनिक कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग की फोर्सेस को। वर्टिकल जिसको हमने बोला, एपेरोजेनिक का मतलब वर्टिकल, ये याद रखना। तो अपवर्ड का एग्जाम्पल, इसको अपलिफ्ट भी है, जैसे ये एग्जाम्पल है अपलिफ्ट की, ऐसे अपलिफ्ट हो गई, ठीक, कोस्ट के अराउंड जो है ये ऐसे अपलिफ्ट हो गई। अब क्यों हुई, कैसे हुई, ये आगे हम हायर स्टडीज में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम समझ रहे हैं फिनोमिनास कैसे हैं, क्या है। सेकेंड इज डाउनवर्ड सब्सिस्टेंस, डाउनवर्ड बोलते हैं या सब्सिडेंस, मतलब आपने जो ये कीवर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, जो ये उसको आपने अपना बना लेना है। अगर मैं डाउनवर्ड बोल रहा हूँ और सब्सिडेंस बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। सब्सिडेंस की बात कर रहे हैं, अच्छा, इसका मतलब ये कि डाउनवर्ड मूवमेंट होना। ठीक है, अपेरोजेनिक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वर्टिकल होना। ठीक है, अपलिफ्ट की बात कर रहे हैं, मतलब के बाहर ऊपर को आना। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये एक ही दिन में नहीं आएंगे, आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। और आपको ऐसे ही, मतलब जैसे मैंने क्या कोशिश करी हुई है कि अलग अलग कलर्स दे दूं, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरे को मैं अलग कलर दे रहा हूँ, ताकि आप उस पर ज्यादा फोकस करें। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। सो बैक टू द पॉइंट, अपलिफ्ट देखा हमने जब अर्थ जो ऊपर को आ जाती है, और अब जो है हम बात कर रहे हैं डाउनवर्ड की। अब डाउनवर्ड मूवमेंट से क्या मतलब, या सब्सिडेंस से क्या मतलब, जो हमारा जैसे इसकी एग्जाम्पल है एक अंडेमान एंड निकोबार। अब बेसिकली अंडेमान एंड निकोबार में क्या है, ये अंडेमान निकोबार ये है बर्मा प्लेट, यहाँ पे ना, अब जब हम प्लेट टेक्टोनिक करेंगे हमें पता लगेगा ये बर्मा प्लेट है और ये है इंडियन प्लेट। दो मतलब क्या मान सकते हो, एक लैंड के मासीज हैं, आपस में टकराए और फिर यहाँ पे अराकम कोस्ट लाइन बनी, अराकोम कोस्ट लाइन बनी, कोस्ट एरिया बना अराकोम का। अब जब धीरे धीरे फिर ये क्या हो गया, ये डूब गया ये एरिया, मतलब। और जो अंडेमान और निकोबार भी क्या है, वो इसी का ही सबमर्ज्ड एरिया है, इसी प्लेट में जो एरिया है, मतलब वो डूबा हुआ एरिया, सब्सिडेंस, मतलब जो डाउन लिफ्ट हुआ उसको ही बोलते हैं हम अपना डाउनवर्ड मूवमेंट या सब्सिडेंस। अब इसकी और एग्जांपल क्या है, वेस्टर्न गार्ड से भी पाई जाती हैं, कि वेस्टर्न गार्ड जो है वो ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा सा अपर साइड की, अगर हम बात करें वेस्टर्न साइड की, वो भी सबमर्ज्ड है। ठीक है,
अब ये तो है एग्जाम्पल हमारी सब्सिस्टेंस की। अब क्यों है, जैसे मैंने फिर से बताया कि वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो प्लेट टेक्टोनिक्स के बिना हमें नहीं समझ आ सकता। फिलहाल के लिए आपको टर्मिनोलॉजीज जो है अब वो याद रखनी है। अब हम अपैरोजेनिक की बात कर ली, जिसमें हमने वर्टिकल की बात कर ली, मतलब अपैरोजेनिक की बात कर ली जिसमें हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों किया। अब हम सेकंड बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल की। नाउ हॉरिजॉन्टल क्या है, ये भी कंस्ट्रक्टिव है क्योंकि हमने बोला था कि स्लो है, डायस्ट्रोफिक है, उन दोनों में हॉरिजॉन्टल जो है वो भी कंस्ट्रक्टिव है और अपैरोजेनिक वो भी कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्ट ये क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं माउंटेन्स। ये क्या है, माउंटेन बिल्डिंग। वो क्या थी, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग जो इससे पहले करी है। अब सेकेंड वन इज माउंटेन बिल्डिंग। अब माउंटेन बिल्डिंग की मैंने दो तरीके बताए, जो मैंने एक पेज की एग्जाम्पल देने की कोशिश करी, अगर हम कंप्रेस करेंगे तो ऊपर से वो रेज हो जाएगा, जैसे कि हमारे हिमालय जैसे ही बने, ठीक है, ऊपर को रेज हो गए। सो दैट इज द फोल्ड माउंट, इसकी एग्जाम्पल है, कंप्रेशन की एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन्स। सी ये एक लैंड मास था, उसमें कर्व आ गया ऊपर को, ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन्स। अब जब ये ऐसा होता है, अब ये कॉन्टिन्यूसली जो हमारे हिमालयाज है वो ऐसे फोल्ड हो रहे हैं, इसीलिए तो इस पूरे के पूरे एरिया में अर्थक्वेक्स प्रोन एरिया है हमारा, जो नॉर्थ इंडिया का जो हिमालयाज के पास वो लगता है जो रीजन, क्योंकि वो अभी भी जो है दो प्लेट्स हैं वो आपस में टकरा के हिमालयंस को और रेज करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल, किसकी एग्जाम्पल, ये कंप्रेशन की एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन्स। सी एक साइड पे क्या बन गया, अपसाइड बन गया, क्योंकि जब कुछ, मैंने क्या बोला था, जब हम कुछ गेन कर रहे हैं कुछ लूज भी कर रहे हैं ना, जो अपसाइड जो क्रिएट होगी उसको एंटीसिक्लाइन बोल दिया, और जो जो डाउन साइड जो हुई वो सिंक्लाइन है। सो ये है अबाउट दी फोर्स ऑफ कंप्रेशन, ऐसे जो हमारे लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए एंटीसिंक्लाइन क्या होता है, सिंक्लाइन क्या होता है। अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या है, इस चैप्टर में दी हुई है एग्जाम्पल्स, सिंपल उन्होंने फोल्ड माउंटेन बोला कि आल्प्स इज द फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को आप, आई होप आप समझ गए हो कि फोल्ड माउंटेन क्यों बोला जाता है और वो किसका पार्ट है। सो दिस इज द आल्प्स, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज में पास हो रहा है, स्विट्जरलैंड के, ऑस्ट्रिया, ठीक है, देन बोस्निया एंड हर्जेगोविनिया, क्रोशिया, ये सारी कंट्रीज के बीच में पास हो रहा है, इटली के बॉर्डर्स पे लगता है। सो दिस इज आल्प्स, ठीक है। कैसे बना, फोल्ड माउंटेन्स की वजह से, दो प्लेट्स आपस में टकराई और ऊपर को रेस कर दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवर्स फोल्ड। अब कंप्रेशन की ये दूसरी एग्जांपल क्या है कि रिवर्स फॉल्ट। अब क्या मतलब है इसका, अब कहते हैं जब दो लैंड मासेस को आपस में टकरा रहे थे, जैसे आप ये एरो देख सकते हैं इधर से भी और इधर से भी, तो एक लैंड मास ऐसे ऊपर को रेज हो जाए और दूसरी नीचे ही रह जाए, ठीक है, इस केस को बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब बीच में जो क्रैक आ गया, इन दोनों लैंड मासेस के बीच में ये क्रैक आ गया ना, इसको फॉल्ट बोलते हैं, रिवर्स फॉल्ट को बोलते हैं, क्योंकि जो ये रिवर्स वे में फोर्स लगी है। जनरली जब हम फॉल्ट को देखते हैं कि दोनों आउट वा टेंशन वाली फोर्स होती है जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं टेंशन, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें इनवर्ड कंप्रेशन फोर्स लग रही है, कंप्रेशन की वजह से फॉल्ट क्रिएट हुआ है। सो दिस, इसलिए इसको हमने रिवर्स फॉल्ट बोल दिया, ठीक है। दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ कंप्रेशन। नाउ द सेकंड सेकंड हॉरिजॉन्टल फोर्स इज टेंशन। टेंशन की बात कर लेते हैं। सो बेसिकली दिस इज द डायग्राम विच शोज द टेंशन। अब टेंशन कैसे, ये क्या मतलब है, मैंने क्या बोला, ये एक कागज के टुकड़े को दोनों साइड से खींचना है, बीच में से क्या हो जाएगा, टियर। अब ये मान लो कि पहले एक कागज का टुकड़ा हुआ करता था, पहले सारे का सारा क्या है, एक कागज का टुकड़ा हुआ करता था, किसी ने खींचा, जब ये खींचा, ये साइड्स को खींचा, तो ये बीच वाली साइड थी ये तो नीचे को गिर गई, क्यों, क्योंकि टीयर ऐसे हुआ, ये नीचे को गिर गई और ये वैसे की वैसे रही, इसके रिस्पेक्ट में, बीच वाले साइड के रिस्पेक्ट में इसकी हाइट जो है इंक्रीज्ड हो गई, ठीक है। अब हुआ क्यों, टेंशन की वजह से, इधर को कोई खींच रहा है, इधर को कोई खींच रहा है, ये बीच वाली साइड नीचे को गिर गई, तो ये साइड पे ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं सूडो माउंटेन्स, मतलब कि एक ऐसा लगता है कि इसके रिस्पेक्ट, और कोई यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, इस जो नीचे गिरी है जो एरिया, वहां पे कोई ऊपर खड़ा है, उसको लगेगा ये तो माउंटेन है, ठीक है। ये एक्चुअल में जो फोल्ड माउंटेन की तरह तो नहीं है कि ऊपर को रेज किया, नहीं, ये फोल्ड माउंटेन की तरह रेज नहीं हुआ, ये इसके रिस्पेक्ट में ग्राबन, मतलब कि जो ग्राबन
एरिया मतलब के जो नीचे गिरा था उसके रिस्पेक्ट में जो ये माउंटेन है, जो ये होस्ट है, ये अपलिफ्टेड है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं फोल्ट माउंटेन बोल देते हैं या ब्लॉक माउंटेन बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लॉक्स की वजह से बना है। ये देखो ये अलग अलग ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना आपको, सो दिस इज ब्लॉक माउंटेन, इसी को ही बोल देते हैं फोल्ट माउंटेन। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल किसकी है, ये एक एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में एग्जाम्पल दी हुई है राइन वैली एंड वोसगैस माउंटेन्स की। राइन वैली क्या है, ये बीच में जो नीचे नीचे को लैंड गिर गई, दैट इज दी राइन वैली। ठीक है, राइन वैली है ये बीच में। ठीक है, कब इन इन्हीं वैलीज में रिवर भी बहने लग जाती है, राइन रिवर आपने नाम सुना हो। इन्हीं वैलीज के बीच में ऑब्वियसली, क्योंकि वो नीचा नीचा पोर्शन है, जो नीचे पोर्शन होता है पानी तो उधर से ही गुजरता ना, तो इसलिए इस वैली में रिवर भी बहती है, तो दिस इज दी राइन ग्रेबन। ठीक है, इसके आसपास ये जो एरिया है, यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं इनका नाम है वोसगैस माउंटेन, फ्रांस में पड़ते हैं वोसगैस माउंटेन। तो अगर कोई पूछे कि वोसगैस माउंटेन किसकी एग्जाम्पल है, फोल्डिंग की एग्जाम्पल है कि फोल्टिंग की एग्जाम्पल है, फोल्डिंग की एग्जाम्पल है कि ब्लॉक माउंटेन की एग्जाम्पल है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। क्यों? क्योंकि ये इस प्रोसेस से बने हैं, राइन जो है, राइन जो फॉल्ट है उसकी वजह से ये माउंटेन्स बने हैं वोसगैस। ठीक है, ये देखो ये इस एक साइड पे फ्रांस है, एक साइड पे जर्मनी है, और फ्रांस की तरफ भी प्रेशर लग रहा है, फ्रांस की तरफ भी आउटवर्ड प्रेशर प्रेशर लग रहा है, जर्मनी की तरफ भी फोर्स लग रही है, उसकी वजह से क्या क्रिएट होगी, एक रिफ्ट क्रिएट होगी। ठीक है, एक फॉल्ट लाइन क्रिएट होगी जिसको बोल दिया राइन वैली, और इसके साइड पे जो क्या हो बन गया, माउंटेन बन गया, वो वोसगैस माउंटेन जिसको बोलते हैं, यूरोप में पाए जाते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज सडन फोर्सेस की बात कर लेते हैं। हमने क्या बात करी, अब जो हमने स्लो फोर्सेस की, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की बात करी, जो कि कॉन्टिनेंट के मूवमेंट वाली फोर्सेस की बात करी, अब जो सडन फोर्सेस की भी बात कर लेते हैं। जो जो मैंने क्या एग्जांपल दी थी सडन की, जैसे पिंपल्स निकल आते हैं किसी के फेस में, माउथ अल्सर्स, तो उसी केस में जैसे उसकी एग्जाम्पल क्या है, सडन फोर्सेस की एग्जाम्पल क्या है, वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक। अब सडन फोर्सेस को और क्या कहा जाता है, कैटास्ट्रोफिक, मतलब ऑब्वियसली अर्थक्वेक क्या है, कैटास्ट्रोफी तो है, वोल्केनो क्या है, वो कैटास्ट्रोफी तो है, जिससे एक काइंड ऑफ डिजास्टर्स, ठीक है, इसको मैनेज करना पड़ता है। ये क्या है, सडन फोर्सेस, जैसे ये देखो वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनो निकला आगे से, अंदर से बाहर लावा निकला, ठीक है, पहले अंदर अंदर जब होता है उसको मैग्मा बोलते हैं, वो बाहर को जब निकलता है वो लावा निकला, वो लावे में जो मटेरियल निकला आसपास जो है वो डिपॉजिट होता गया, उससे वो माउंटेन बनता गया बनता गया। अब कैसा माउंटेन बनेगा, वो इस जो बाहर लावा निकल रहा है उसके टेक्सचर के ऊपर, उसकी विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो कैसा बनता है वो हमने डिटेल में अभी नहीं देखना, ठीक है, वो लेटर ऑन देखते हैं। सो दीस आर दी वोल्केनिज्म, और ये एग्जाम्पल किसकी है, वोल्केनो माउंटेन्स की एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि आप देखो अंदर से लावा निकला, ठीक है, बाहर को मतलब मैग्मा बाहर निकला, जब उसको लावा कहते हैं, और जो उससे उसके अंदर से एशेज निकली वो आसपास क्या है, डिपोजिट होती गई, ठीक है, और उसी से क्या बन गया, माउंटेन बन गया। इसकी एग्जाम्पल जो इस चैप्टर में दी हुई है, दैट इज द माउंट किलीमंजारो। ठीक है, कहाँ पे है, तंजानिया में है। कहाँ पे है, मतलब अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में है, और एक कंट्री है तंजानिया जो कि इंडियन ओशियन को टच करती है, केनिया के नीचे है, यहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में कवर्ड है ये लोकेशन। ठीक है, माउंट किलीमंजारो। ठीक है, आपसे पूछेगा ये किसकी एग्जाम्पल है, मान लो आपसे कोई क्वेश्चन आ गया कि वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है माउंट किलीमंजारो इज द एग्जाम्पल ऑफ द फोल्ड माउंटेन, क्या ये है फोल्ड माउंटेन की एग्जाम्पल, नहीं, सो दिस इज दी एग्जाम्पल ऑफ दी वोल्केनिज्म। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक। अब ये देखो ये अर्थक्वेक की एग्जाम्पल है, अर्थक्वेक से कैसे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, और इसके अलावा इसका एक और एग्जाम्पल बता दो जो कि इस चैप्टर में डिस्कस है, दैट इज माउंट फुजियामा। अब वो कहाँ पे, जापान में है, वो भी क्या है, वोल्केनो माउंटेन्स की से ही बना है। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देता हूँ,
चेक कर लीजिएगा एक बार स्पेलिंग ये, ठीक है। सो कहाँ पे है ये? जापान में है। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक भी क्या है? अर्थक्वेक से भी लैंड फॉर्म्स में है बनती हैं, जैसे ये देखो क्रैक्स आ गया अर्थक्वेक की मूवमेंट की वजह से आया, सैन एंड्रियास फॉल्ट्स आया, क्यों आया कैसे आया वो हम डिटेल में करेंगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ लेते हैं। सो दीज वर दी फोर्सेस हमने जो कवर करी, एंडोजेनिक फोर्सेस, इंटरनल प्रोसेसेस वाली फोर्सेस। फिर से हम वो उसको एक क्विक रिव्यू देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो है एक्सोजेनिक फोर्सेस उस पर चलते हैं। ओके, सो वी कवर्ड एंडोजेनिक फोर्सेस में स्लो फोर्सेस और सडन फोर्सेस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक्स। आई होप आपने ये समझ लिया हो सारा के सारा, ठीक है। तो 2-3 बारी जब इसको रिवाइज करोगे आपको पूरा क्लियर पिक्चर क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है, इसके बारे में। नेक्स्ट इज एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब ये क्या है? एक्सटर्नल प्रोसेसेस। एक्सटर्नल प्रोसेसेस इस एक्सोजेनिक फोर्सेस को और क्या बोल देते हैं? डेंडुएशन। इस एक्सटर्नल प्रोसेसेस, इस एक्सोजेनिक फोर्सेस को क्या बोलते हैं? डेंडुएशन। ये वर्ड बहुत जगह यूज होगा हमारे यहाँ पे, जो इस चैप्टर में सिंपल एक्सटर्नल प्रोसेसेस वर्ड लिख के काम चला दिया गया है, बट इसको और क्या बोलते हैं? डेंडुएशन बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। अब नेक्स्ट इज इसके अंदर क्या है? अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज, इसको जानने से पहले हम एक चीज अंडरस्टैंड करते हैं जो मैंने आपको चीज बताई है, दैट इज अगर मान लो कि कोई एक्स वाई जेड कोई एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई हमारे अर्थ के ऊपर एरिया है, ठीक है, इस इस इससे वो एक पर्टिकुलर दूसरा लैंडफॉर्म कैसे बनेगा? अगर ये थोड़ा सा इसको हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे, इसकी घिसाई करेंगे इस पर्टिकुलर चीज की, तभी जो यहाँ से जो घिस के सारा कुछ या टूट फूट के जो मटेरियल निकलेगा वो दूसरी जगह जाके इकट्ठा हो जाएगा, दूसरी जगह जाके इकट्ठा हो जाएगा। वो ही चीज यहाँ पे होती है इस एक्सोजेनिक प्रोसेस में। मतलब हमने क्या किया? अर्थ की बाहर से, अर्थ की आउटर पोर्शन की, जो अर्थ के लैंड फॉर्म्स है उनकी कुटाई करी पहले। तो जब हमने कुटाई करी, जब हमने उसकी घिसाई करी, कुटाई करी, तो उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। जब हम हमारे जो रॉक्स होते हैं उनका टूटना, उसको तोड़ना, दैट इज वेदरिंग, ठीक है। जो अर्थ के रॉक्स हैं, जो अर्थ के माउंटेन्स के ऊपर रॉक्स हैं, सारे के सारे सॉलिड पोर्शन को तोड़ना, दैट इज वेदरिंग। अब वेदरिंग करने के बाद, ठीक है, वेदरिंग करने के बाद, ठीक है, वो जो सामान हमारे पास इकट्ठा हुआ है एक बार टूट गया, उसकी और ज्यादा घिसाई करी हमने ऊपर से। जो पहले एक बड़ा रॉक होता था उसके छोटे छोटे पत्थर बन गए, उन पत्थरों की भी हमने क्या करा? अच्छे से घिसाई करी, और वो वहां से जो घिसाई करने के बाद जो मटेरियल निकला वो इन एजेंट्स ऑफ इरोजन की हेल्प से क्या हुआ? एक पर्टिकुलर जगह पे जाके डिपॉजिट हो गया। मतलब एक लैंडफॉर्म यहाँ पे था, उसकी तो हमने कुटाई करी, वहां से कुटाई करने के बाद जो मटेरियल निकला हमने डिपॉजिट कर दिया एक बी जगह पे। ए जगह से मटेरियल कहाँ पे पहुंच गया? बी जगह पे, ठीक है। हम जो इसको बोल देंगे ए से जो बी जगह पे जो लैंडफॉर्म बना उसको डेपोजिशन की जो एग्जांपल्स में देख लेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। वेदरिंग क्या है? ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? फिजिकल से, जिसको मैकेनिकल वेदरिंग बोल देते हैं, केमिकल्स से भी। जो केमिकल्स मान लो कि एक बड़ा रॉक है उसके ऊपर केमिकल का अटैक होगा तो वो टूटेगा, उसके अंदर क्रैक्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकली भी ऐसा पॉसिबल है। तो इसको क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। अब इरोजन क्या होता है? किसी चीज को इरोड करके लेके जाना, अपने साथ बहा के लेके जाना, ठीक है। कौन कौन से एजेंट है इस यहाँ से जो वेदरिंग से जो मटेरियल निकलेगा उसको इरोड करके लेके जाएंगे? जैसे वाटर ले जाएगा, ग्राउंड वाटर ले जाएगा, वेव्स ले जाएंगे अपने साथ इरोड करके जो यहाँ से निकला सामान, विंड भी उड़ा के ले जाएगी जो यहाँ से सामान निकला या मिट्टी निकली, और ग्लेशियर्स भी। ग्लेशियर्स तो इनको तो बुलडोजर्स कहते हैं कि जो रॉक्स है उनको तोड़ फोड़ करके अपने साथ रोक एंड रोल करके ले जाते हैं, इनको तो बुलडोजर्स बोला जाता है ग्लेशियर्स को। ग्लेशियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है वेदरिंग इरोजन में, ठीक है। मतलब आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया वेदरिंग क्या है। वेदरिंग तोड़ फोड़ करना, और इरोजन क्या है? उसको वहां से, उस मटेरियल को वहां से उड़ा के ले जाना,
कहाँ ले जाना, वो धीरे धीरे आगे जाके डिपॉजिट हो जाएगा किसी पर्टिकुलर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। सो दिस इज प्रोसेस, इसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, अब इसको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो एनसीईआरटी इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड यूज किया गया, वेदरिंग, इरोजन एंड डेपोजिशन, इसको हम डिटेल में देखते हैं कि है क्या। सबसे पहले वेदरिंग की बात कर लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल दी, पहली बात करी कि फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। सो फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग क्या है बेसिकली, जब हम वाटर से, वाटर मान लो कि एक पर्टिकुलर एक वाटरफॉल है, उसके नीचे जो रोक है उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली वाटर गिर रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली वाटर गिरेगा, उससे क्या होगा बेसिकली, रोक जो है टूट जाएगा, दो हिस्सों में टूट जाएगा। वाटर बहुत ही, मतलब यू कैन से कि शार्प टूल है। अगर आप देखें आजकल तो वाटर की, आप ऐसा मान के चलो डायमंड को भी कट करने वाली मशीनें आ गई, हाइड्रोलिक मशीन आ गई, जिससे क्या होता है बेसिकली वाटर, वाटर की एक धार से हम कट कर देते हैं पूरे का पूरा डायमंड को। तो वाटर इज वेरी स्ट्रोंग, ठीक है, इन दिस केस वेदरिंग करने में। दूसरा है टेम्परेचर चेंज। अब टेम्परेचर चेंज में क्या होता है बेसिकली, जब भी किसी चीज का, अगर आपने पता, आपने एक एग्जांपल देखी होगी, जब भी घर के दरवाजे हो जो होते हैं, ठीक है, वो गर्मियों में क्या कहते हैं, थोड़े से टाइट हो जाते हैं, खुलते नहीं है इजीली। जब सर्दियां आती हैं तब इजीली ओपन हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी थर्मल एक्सपेंशन हो जाती है, गर्मियों में कोई भी चीज है एक्सपेंड कर जाता है। जब कॉन्टिन्यूसली किसी चीज की थर्मल एक्सपेंशन होगी, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा सर्दियों में, फिर एक्सपेंशन होगी, तो उसके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है जिससे वो टूट जाता है। सो दैट इज द सेकेंड कोज ऑफ द फिजिकल वेदरिंग, या जिसको मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज विंड, रेन और वाटर, वेव। तो विंड भी क्या है, आप जैसे डेजर्ट एरिया में हम देखते हैं कि जो विंड्स होती हैं वो पत्थरों को बिल्कुल ही तोड़ देती हैं, बिल्कुल मतलब दो दो हिस्सों में तोड़ देती हैं पत्थरों को। धीरे धीरे होता है ये प्रोसेस, बहुत ग्रेजुअली होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से। वैसे सेम गोज विद रेन एंड वेव्स, वेव भी जब पत्थरों से टकराती रहती हैं उनको चूर चूर कर देती हैं। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिकल वेदरिंग। नेक्स्ट इज आइस वेजिंग, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा आइस वेजिंग क्या होती है। फिर केमिकल की बात कर लेते हैं, एसिड, किसी चीज पे एसिड, किसी पत्थर पे एसिड लगा देंगे तो वो क्या होगा, उसके उसकी इरोजन शुरू हो जाएगी, उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। एक बार क्रैक्स आने शुरू हो गए, वो एसिड और उन क्रैक्स के अंदर चला जाएगा, फिर और वो रोक को तोड़ देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या, मान लो कि किसी रोक के अंदर आयरन कॉन्टेंट ज्यादा है, उसकी रस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, ये तो चलो मैंने एक एग्जांपल दी, ऐसे ही किसी के अंदर सिल्वर कंटेंट ज्यादा है, उसकी उस तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो उस प्रोसेस से भी क्या है, रोक की तोड़फोड़ होगी उस। ठीक है, नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल एग्जांपल की जैसे मान लो मोसिस एंड लीचन है, ये आप पढ़ते हैं बायोलॉजी में, मोसिस एंड लीचन यहाँ पे स्टोन के ऊपर ग्रो कर देते हैं और वो इस तरीके से वो सिक्रीशन करते हैं कि धीरे धीरे जो है रोक टूटना शुरू हो जाता है। प्लांट्स की ग्रोथ होगी, मान लो प्लांट्स के रूट्स जो हैं वो बड़े रोक रोक के अंदर ही जाने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिससे क्या है, रोक स्ट्रेस में आकर टूट जाता है। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल। बाकी ह्यूमन बींग्स भी तो तोड़ तोड़ फोड़ करते हैं ना रोक्स की, सो दैट इज ऑल्सो वेदरिंग। अब बिल्डिंग्स बनाने के लिए रोक्स की तोड़ फोड़ करना, ठीक है, मार्बल्स तभी तो एक्सट्रैक्ट होते हैं जब तोड़ फोड़ करते हैं। सो ऑल दैट हैपन्स इन दिस वेदरिंग प्रोसेस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वेदरिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट इरोजन। इरोजन क्या है कि जो हमने वेदरिंग में तोड़ फोड़ किया सामान, उसको अपने साथ लेके जाने वाला, इरोड करके कौन लेके जाता है, वो इरोजन में देखते हैं हम। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, वेव, विंड, ग्लेशियर्स। ठीक है, फिर जो ये मटेरियल कहाँ पे जाके सेटल होता है, कहीं तो डिपोजिट होगा ना, उसको हम डेपोजिशन बोल देते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द एक्सोजेनिक फोर्सेस। सी
एक्सोजेनिक फोर्सेस, वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, वाटर टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज, जैसे देखो टेम्परेचर चेंज की वजह से क्रैक्स आ गए, देन विंड और रेन और वेव की वजह से भी होता है, ठीक है। जैसे देखो ये पानी, पानी टकराया, वेव्स जो है टकरा रही हैं उसको, पत्थर जो है क्रैक आ गया, ठीक है। ये देखो वाटर फिल्स इन द क्रैक, वाटर फ्रीजेस, ठीक है, आइस एक्सपेंड्स एंड क्रैक्स, ये आइस वेजिंग की एग्जाम्पल है, आई विल शो यू दिस, ठीक है। तो पानी से भी क्रैक्स आते हैं, ये याद रखना। अब ये देखो दिस इज द आइस वेजिंग, हुआ क्या, पानी जो है इस पत्थर के क्रैक में कलेक्ट हो गया, ठीक है, वहां पे अंदर चला गया, फिर यहाँ पे फ्रीजिंग शुरू हो गई, फ्रीज शुरू हुआ तो वाटर एक्सपेंड किया तो उस पूरे के पूरे रॉक को तोड़ दिया, दैट इज आइस वेजिंग। फिर केमिकल्स की वजह से भी, एसिड्स की बात करी मैंने, जैसे आपको बताया कि एसिड्स जो है वो तोड़ देते हैं पत्थर को, एसिड कहाँ से आए, एसिड रेन की वजह से आगे, जो ऊपर से रेन हो रही है वहां से आगे, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन की वजह से ये देखो रस्टी हो गया ना ये पत्थर, तो इसकी तोड़ फोड़ होनी शुरू हो गई। देन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी, ये देखो कार्बोनेट्स हैं, ये कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर देता है, ये कार्बोनेट के पत्थर हैं, उनसे रिएक्ट करके ऐसी सी इनकी इरोजन शुरू हो गई, वेदरिंग शुरू हो गई, ठीक है। बायोलॉजिकली प्लांट्स और ह्यूमंस की बात करी मैंने। सो इरोजन की एग्जाम्पल क्या है, इरोजन में एग्जाम्पल अरावली रेंज की इस चैप्टर में एग्जाम्पल दी हुई है, अरावली रेंज दिल्ली से गुजरात तक इसकी एक्सटेंशन है अरावली रेंज की, इसको माना जाता है कभी किसी समय में हिमालय से भी ऊंचे पर्वत होते थे अरावली के, बट इरोजन हो गई इसकी, मतलब के पत्थरों की इरोजन हो गई ऊपर से, अब उसकी हाइट जो है कम हो गई। सो दिस वॉज अबाउट द इरोजन, एजेंट्स ऑफ इरोजन हमने बात करी, जैसे ये रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, वेव, विंड, ग्लेशियर, डेपोजिशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लेन्स, डेपोजिशन का क्या एग्जाम्पल है, अब जो मटेरियल उधर से आया, मान लो कि रिवर ले आई अपने साथ, जो वेदरिंग हुई थी मटेरियल रिवर ले आई, अब उसका कहाँ पे डेपोजिशन होगा, बेसिकली उसका डेपोजिशन होगा किसी पर्टिकुलर एरिया में हो जाएगा। मान लो कि अब प्लेन्स एरिया में क्या होता है, हमने पता है कि उसको आगे प्लेन्स में डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड करते हैं, वो सारी मिट्टी जो रिवर ले आई वो कहाँ पे डिपॉजिट हो गए, एक पर्टिकुलर एरिया पे डिपॉजिट हो गए, जो जिसको हमने प्लेन्स बोल दिया, और उस इवन लैंड को हमने प्लेन्स बोल दिया जहाँ पे हम सारी चीजें कल्टीवेशन करते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, वो वेदरिंग से ही पॉसिबल हुआ, ठीक है। सो डेपोजिशन इज कोई भी लैंड फॉर्म जो वेदरिंग से जो मटीरियल आया था उससे बना हो, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए आप टेक्निक समझोगे क्या है, ठीक है जी। सो दिस वॉज अबाउट दी होल प्रोसेस ऑफ द अर्थ मूवमेंट्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या थे, ठीक है। अब ये इन इन फैक्ट्स का जिक्र किया गया है, इसके अंदर हम क्विकली इन फैक्ट्स को देख लेंगे। माउंटेन के बारे में क्या बोला गया है, माउंटेन में भी अरेंज्ड इन ए लाइन नोन एज द रेंज, सबसे पहली डेफिनेशन उन्होंने रेंज की बताई है, क्विकली देखेंगे ये क्या है इसका मतलब, जानना जरूरी है बस। कहते जब माउंटेन एक एक करके माउंटेन एक पर्टिकुलर लाइन में लगा दिए जाएं तो उस पर्टिकुलर लाइन को क्या बोलेंगे, पूरी को रेंज बोलेंगे, ठीक है। रेंज हम कहते हैं ना माउंटेन रेंज, तो दैट इज द वर्ड। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर द किलोमीटर। अब हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, हिमालय में भी बहुत सारी रेंजेस हैं, अलग अलग नाम दिए हुए हैं, ठीक है, कैलाश पर्वत, काराकोरम रेंज, ठीक है, तो वो सारी हम डिटेल में देखेंगे। द हिमालयस, द आल्प्स एंड द एंडीज आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ द एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में ही वीडियो में डिस्कस किया गया है, तो वो आप वहां उस वीडियो में देख सकते हैं कि आल्प्स हिमालयस कहाँ पर जाते हैं, आल्प्स कहाँ पे, एंडीज कहाँ पे, मैंने याद करने का भी तरीका बताया था लास्ट लेक्चर में। सो एडवांटेजेस क्या, बेसिकली मेन एडवांटेजेस क्या है इस माउंटेन्स के, स्टोर करता है वाटर को, ठीक है, वाटर को कैसे स्टोर करता है, जो माउंटेन्स है उसी के ऊपर तो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं ना, बड़े बड़े ग्लेशियर्स, तो उसी से तो हमारा जो है धीरे धीरे जो है तुपका तुपका करके जो पूरी की पूरी रिवर्स बनती हैं, उन रिवर्स का ही तो पानी हम यूज करते हैं। सो दैट्स वाई इट इज द स्टोर हाउस ऑफ वाटर, नॉट ओनली द ग्लेशियर्स बट अदर एरियाज ऑल्सो द वाटर इज स्टोर्ड, ठीक है, स्पंज की तरह एक्ट करते हैं माउंटेन्स भी, स्प्रिंग्स जो है, स्प्रिंग्स से पानी निकलता है। ओके सो नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फोना। अब जब माउंटेन्स में आपने देखा होगा, कभी आपने विजिट किया हो तो वहां पे बहुत ही तरीके के अलग अलग तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, तो उसके अंदर एनिमल्स भी रहते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इकोलॉजी उनका रहने सहने का एरिया है वहां पे, तो माउंटेन्स जो है फॉरेस्ट को भी कैटर करते हैं, जिसको हम माउंटेन फॉरेस्ट बोल देते हैं, तो
बहुत ही वैरायटी ऑफ जो है फ्लोरा एंड फोना पाए जाते हैं। फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फोना मतलब एनिमल्स, वो पाए जाते हैं माउंटेन में। देन टूरिज्म, ऑब्वियसली एवरीबडी गोज टू द माउंटेन फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, तो वो टूरिज्म का पार्ट आ गया। सो ऑब्वियसली इससे तो और भी बहुत ज्यादा जो है एडवांटेजेस हैं, बट इस चैप्टर में ये डिस्कस किए गए थे, सो मैंने आपको ये हाईलाइट करवा दी है, ठीक है। सो दिस वॉज द क्विक रिकैप अबाउट द माउंटेन्स। देन प्लेट्यूज, प्लेट्यूज क्या है? एलिवेटेड लैंड है। अब कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे वो एलिवेटेड लैंड हुआ, ये हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, वो बाद में, दैट इज द लेटर फॉर्म। सो द प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, इट इज द फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। कैसे मैंने बोला था, होता तो ये फ्लैट ही है बट एक टेबल की तरह होता है, जैसे मैंने बना के दिखाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। कहाँ पे है? डेक्कन प्लेट्यू। ये क्या है? एक उभरा हुआ है टेबल की तरह, ऐसा मान लो, सिंपल। सो दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है और वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेट्यू, ठीक है। और लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, दिस इज द तिब्बत प्लेट्यू, जो तिब्बत एरिया में है प्लेट्यू, दैट इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू। इसके अलावा जिस चैप्टर में जिक्र किया गया है, दैट इज द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, कहाँ पे पाया जाता है? केनिया, तंजानिया एंड युगांडा, तीनों कंट्रीज में। ये देखो, ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेट्यू, केनिया, तंजानिया एंड युगांडा। आई होप आपको याद हो तंजानिया में मैंने पहले लोकेशन में क्या बताया आपको, कौन सा माउंटेन पीक पाया जाता है यहाँ पे। सो दिस वॉज, दिस इज द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दिस इज द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ, वेस्ट साइड पे जो प्लेट्यू है, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पता होना चाहिए जो गिवन है, वो फैक्ट्स तो पता होना चाहिए, रटे होने चाहिए। देन तिब्बत प्लेट्यू, हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो हाईएस्ट प्लेट्यू है ये, देखो पूरे का पूरा नेपाल के आगे जो तिब्बत एरिया, वहां पे ये हिमालयस के उस पार जो है, जो ये प्लेट्यू, इसको तिब्बत प्लेट्यू बोलते हैं। और इसके बहुत सारे जो हैं क्लाइमेटोलॉजिकली, हम देखें क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे, पढ़ेंगे कि हमारा जो इंडिया का जो सारा क्लाइमेट वाला पैटर्न है, वो इसी प्लेट्यू के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। तो क्या इसका हमारे एडवांटेज है, वो हम क्लाइमेटोलॉजी में डिस्कस करेंगे। देन छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, कौन कौन सी स्टेट्स को कवर करता है छोटा नागपुर प्लेट्यू? झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये चारों स्टेट्स को कवर करता है, मतलब ईस्ट इंडिया को कवर करता है पूरे का पूरे। तो कौन से मेजर रिजर्व्स हैं? आयरन, कोल, मैंगनीज। अब ये ब्यूटीफुल चीज यहाँ पे पाई जाती है, आयरन और कोल एक साथ। अब ये एक साथ जनरली हर जगह नहीं पाए जाते, यहाँ पे क्यों पाई जाती हैं, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्यों खास है आयरन और कोल, और इससे, इसके ऊपर ही सारी इंडस्ट्री जो है टिकी होती है, एक ही जगह दोनों चीजें मिलनी, सोने पे सुहागा हो गया ये तो, ठीक है। और मैंगनीज भी पाए जाते हैं। देन इसी के साथ एक फैक्ट मेंशन था, दैट वाज द हुंदरू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। एक हुंदरू फॉल्स है छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाए जाते हैं, कौन सी रिवर पे? सुबर्ण रेखा पे, ठीक है। तो ये चीजें जो है, फैक्ट्स जो है, छोटे छोटे पता होना चाहिए। सो हेयर इट इज, ठीक है। ये देखो रांची के बिल्कुल पास, ठीक है, ये हुंदरू फॉल्स पाए जाते हैं, ठीक है, झारखंड में। ये रांची के बिल्कुल पास हुंदरू फॉल्स। देन जोग फॉल का भी जिक्र था, जोग फॉल कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको शिमोगा बोलते हैं, शिवामोगा भी बोल देते हैं, उसके अंदर ये जोग फॉल पाया जाता है। इसका भी इसी चैप्टर में हमारा डिस्कस था। तो प्लेन एरिया, ऑब्वियसली प्लेन्स कैसे बनते हैं, मैंने अभी बताया कि डेपोजिशन से बनते हैं, जो रिवर्स से के थ्रू सॉयल आई, उसकी डिपोजिट से ये प्लेन एरिया बनते हैं। और इसकी एडवांटेज क्या है, यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स कल्टिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे कंजस्टेड नहीं है लाइफ। तो एक तो फार्मर्स के लिए बड़ी बड़ी लैंड्स अवेलेबल है, दूसरा यहाँ पे इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स बहुत इजीली खड़ी की जा सकती हैं, और तीसरा यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही इजी हो सकती है। क्या पहाड़ों में बड़े बड़े रोड्स बनाना बहुत ही जल्दी बन जाते? नहीं, पर प्लेन्स में बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाता है, ठीक है। तो पहाड़ों में क्या रेलवेज को पहुंचाना बहुत इजी टास्क नहीं, वहां पे बहुत मुश्किल होती है। तो दिस इज वाई प्लेन्स जो है सबसे ज्यादा फेवरेबल होते हैं ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलस भी क्या होते हैं, प्लेन एरिया ही होता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे होती है? प्लेन एरियाज में, और सबसे कम जो हिली एरियाज में होती है, ठीक है। अब जो हम बात करें प्लेन एरियाज में, जैसे हमारे
सबसे मेजर जो प्लेन एरिया हम किसको मानते हैं, ये मालवा रीजन, जिसमें क्या है गंगा का प्लेन है, गंगा यमुना प्लेन एरिया, जो गंगा और यमुना रिवर जो भी हमारा अपना अंदर समाया हुआ जो सॉयल वगैरह वो लेके आती है, वो कहाँ पे डिपॉजिट करती है, पूरे के पूरे मालवा रीजन में, यूपी की साइड पे, बिहार तक, ठीक है, वो सारा एरिया जो है वो प्लेन एरिया है। हमारे पंजाब वाली साइड भी क्या है, वो प्लेन एरिया क्यों है, क्योंकि जो रिवर्स हैं वो डेपोजिशन लेके आई, ठीक है, तो उसी से ही एलोवियल प्लेन्स बने हैं, वो डिस्कस हम करेंगे बाद में। सो इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर एक और चीज डिस्कस जिक्र किया था प्लेन्स का, यांगजे रिवर, यांगजे रिवर पता होना चाहिए कहाँ पे पाई जाती है, चाइना के, चाइना की रिवर है जिसकी वजह से चाइना का प्लेन एरिया है, ठीक है, नहीं तो चाइना का ऑलमोस्ट आप बात मान के चलो कि मेजर रीजन जो है वो डेजर्ट है या सर्दी सर्दी वाला कोल्ड एरिया है जिसपे रहा नहीं जा सकता, तो कुछ ही एरिया है उसमें से एक जो रहने लायक है, दैट इज रांगजे रिवर के आसपास जो प्लेन एरिया है वो, ठीक है, और इस साइड पे भी काफी जो है हैबिटेशन है वहां पे चाइना में। सो दिस वाज अबाउट दी टुडेज लेक्चर, हमने डिस्कस किया पूरे का पूरा जियोमोर्फोलॉजी क्या है, उसको जो लैंड फॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं, उसको हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया, एंड उन जो हमने वो फ्लो चार्ट किया था उनको जब आप 2-3 बार रिवाइज कर लोगे आपके टिप्स पे हो जाएगा, पर द थिंग इज आपने याद क्या रखना है, वो जो की वर्ड जो मैंने अलग अलग नाम बताया, डायास्ट्रोफ्स क्या होते हैं, ठीक है, कैटास्ट्रोफ्स क्या होते हैं, स्लो प्रोसेस, ठीक है, क्या है, सडन मूवमेंट्स क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अलग अलग जो की वर्ड्स हैं, ठीक है, वो याद रखना, 4-5 बार करोगे आपके टिप्स पे हो जाएगा, ठीक है, और इसको रिपीट करते जाओगे वो आपके टिप्स पे हो जाएगा। आई होप यू इंजॉयड कवरिंग दिस लेक्चर विद मी, वी हैव हेयर कवर्ड दी ऑल दी कंसेप्चुअल एज वेल एज दी जो हमने फैक्चुअल पार्ट्स आल्सो, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है वो जो चैप्टर है। सो आई होप यू इंजॉयड दिस, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोज, सो थैंक यू।